प्रेज लॉर्ड। क्या आपको क्रिएटर और क्रिएशन में फर्क पता है? क्रिएटर मतलब होता है बनाने वाला, क्रिएशन मतलब होती है रचना। क्रिएशन मतलब क्या? सूरज, चांद, सितारे, पहाड़, नदियां, पेड़ पौधे और यहाँ तक कि पानी, आग, इंसान, ये सब चीजें परमेश्वर ने बनाया है। ये एक रचना है और बनाया किसने? रचना करता परमेश्वर ने इस सभी चीजों को, आपको, हम सबको, जितनी चीजें बनाया है। इसलिए हम उस परमेश्वर को नहीं बना सकते। उस परमेश्वर ने इन सारी चीजों को रचा है और रचना कभी भी उस परमेश्वर को नहीं बना सकती और रचना कभी भी परमेश्वर नहीं बन सकती। सूरज, चांद, सितारे, पेड़ पौधे, जितनी भी चीज है वो परमेश्वर नहीं बन सकता। इसलिए याद रखे, एक मनुष्य हूबहू एक रोबोट इंसान जैसा जरूर बना सकता है, लेकिन वो इंसान नहीं बन सकता। उसको अंदर प्राण नहीं डाल सकता, उसके अंदर आत्मा नहीं डाल सकता। उसी प्रकार याद रखे, हम परमेश्वर को नहीं बना सकते, परमेश्वर ने हमें बनाया है। इसीलिए रचना और रचनाकर्ता में यही फर्क है कि वो बनाने वाला है और जितनी चीजें बनाई ये रचना है। इसलिए रचना को कभी भी ना माने, मानना है तो परमेश्वर को माने। सूरज, चांद, सितारे कभी भी परमेश्वर नहीं बन सकते। परमेश्वर एक ही है जिसने सब चीज को बनाया है। आप किसको मान रहे हैं, रचना कर्ता को या रचना को? क्योंकि जीवन तो रचना कर्ता ही देगा। जय मसीह।